नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं नागपुर के मोर भवन बस स्टैंड में, जहां पे लोगों का आना जाना अभी भी चालू है। छठवें दिन भी लगातार हमको लोगों का आना जाना है वो जो दिखाई दे रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है करके। बाहर के बसेस आने जाने वाली भी चालू है। 25% बसेस जो है वो अभी भी चालू रखी गई है। मेरा नाम उमेश सोनपुजरे, बीआरसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, वातु आगाड़ी में अध्यक्ष हूँ नागपुर शहर का। अभी जो देश के हालात है उसके ऊपर क्या कहना है, या अभी अपने नागपुर की ही बात करेंगे, नागपुर के जो हालात है उसके ऊपर क्या कहना है? मुझे इस बारे में क्या कहना है कि अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इस लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं थी। अब पहली बात तो लॉकडाउन लगाने था, सबसे पहले हमने कई बार डिमांड सरकार से की है कि आटो वालों को आर्थिक मदद दी जाए। उसका कुछ एक तो अभी तक कुछ निर्णय हुआ नहीं, हाई कोर्ट में भी केस डाले उसका कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात, अभी लॉकडाउन लगा के हमारे पेट पे, हमारे घर वालों पे आपत्ति आ चुकी है रोजगार कमाने की। ढंग से रोजगार नहीं है, एक तो सवारी है पब्लिक ऊपर से स्टार बस चालू करके रखे हैं। स्टार बस चालू रहेंगी तो ऑटो वाले को सवारी कहाँ से मिलेंगी, और ऊपर से पुलिस वाले ट्रैफिक वाले 3 सवारी पे चालान देते हैं। अभी ऐसे टाइम पे कम से कम हमारी आर्थिक स्थिति देख के पुलिस डिपार्टमेंट से यही हमारी विनती है कि हमको चालान कार्रवाई ना दी जाए लॉकडाउन तक। नया रूल निकला है आज कि एक जगह पे काफ़ी लोग जो है खड़े नहीं हो सकते 3 तारीख तक, 3 अप्रैल तक, ऐसे अपने पुलिस आयुक्त सर ने बोला है। अच्छा, ये मैडम ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपने जो बताया अभी मैडम, मंडे से ऑटो भी बंद करने की चर्चा चल रही है। अगर ऐसी स्थिति में अगर ऑटो सब बंद कर दे रहे हैं तो हमारी परिस्थिति बदतर, दिन ब दिन बदतर खराब हो चुकी है। दूसरी बात, अभी ऑटो वाले अभी इंस्टॉलमेंट भरने के लायक नहीं, इंस्टॉलमेंट वाले जो कंपनी वाले फाइनेंस कंपनी वाले वो परेशान कर रहे हैं। हम लोगों ने घर देखना, घर परिवार चलाना, तो पहली बात तो घर का पूरे सा जो उत्पन्न वो नहीं मिल पा रहा इस टाइम पे। स्कूल की फीस है, स्कूल वाले परेशान अलग करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल वाले अलग परेशान करते हैं, तो ऐसे में हमारे घर परिवार कहीं चला जाए। लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार को, अगर राज्य सरकार को अगर करना है पूरा, तो अपनी शासकीय सेवा उसको पहले कन्वर्ट करना चाहिए, उन्होंने प्राथमिकता देना चाहिए आरोग्य विभाग को, क्योंकि आरोग्य विभाग का ऐसा स्लो चल रहा है उनका वाला। घरों घर तो कुछ हो नहीं है, पहले अभी वो जो नर्सेस थे उनको घरों घर भेजते थे, अभी लोग भी जा नहीं रहे। और पब्लिक से ही मेरी यही विनती है कि आरोग्य विभाग को समर्थन करें, जिससे ये कोरोना का है थोड़ा कम हो। आपके हिसाब से कोरोना है क्या? मेरे हिसाब से तो मैडम, हम लोग तो अभी 6 महीने से तब से लॉकडाउन खुला हुआ है, हम लोग हर पैसेंजर से पैसे लेते हैं, हर पैसेंजर से बात करते हैं, हर पैसेंजर लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे ऑटो वाले में अभी एक भी कोई भी कोरोना निकल नहीं आया अभी तक, बराबर एक भी पॉजिटिव नहीं निकला। और दूसरी बात, हमारे लॉकडाउन में 14 ऑटो चालक मर चुके हैं, उसके बारे में सरकार को हमने निवेदन दिया 10 लाख रुपए के, हमने वो रखे थे आर्थिक भरपाई, वो भी नहीं मिला। कैसे क्या मरे, मतलब भूखमरी, आत्महत्या, पैसा नहीं भर पाए अपना, जैसे कि ऑटो में इंस्टॉलमेंट के लिए परेशान होना कंपनी वाले, ऐसे में ऑटो चालक क्या करेंगे? राज्य सरकार ने हमारे और ध्यान देना चाहिए, यही हमारी राज्य सरकार से विनती है। जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने से मैडम इतनी परेशानी हो गई कि खाने के वांदे हो गए। इसके पहले भी 21 मार्च से लॉकडाउन लगा था, वो 6 महीने ऐसे गए हमारे ऑटो वालों के कि कोई बता नहीं सकता। सरकार ने दावा किया था, मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि ऑटो वालों को पैसे देंगे, उसको राशन देंगे, हमको ना राशन मिला ना पैसा मिला। ऊपर से हमको परेशानी ये मिली कि 3 सीट का परमिट है ऑटो में, उसमें भी ये लोग बोलते कि 2 सीट चलाओ, दो सीट चलाने के बाद में भी कुछ एरिया में ऐसा है कि बोलते 1 सीट पे चलाओ। और आप बताओ कि परेशान, मतलब लोगों की प्रॉब्लम ऐसी इतनी है कि लोगों का पैसा नहीं है, लोग पैसे कहाँ से देंगे? 2 सीट में अगर हम चलाएंगे तो हमको उतना पुराएगा कैसा? पैसेंजर्स वगैरह आते हैं क्या? हाँ, पैसेंजर नहीं आते, 2-2 घंटे खड़े रहने के बाद में, दो घंटे खड़े रहने के बाद में एक पैसेंजर आता, वो 20 रुपये सीट की, उसको 30 रुपये बोलते हैं तो वो नहीं देता, वो बोलता भैया 20 रुपये है, 20 रुपये लो। ऐसे में मैडम सवारियाँ नहीं मिलती और परेशानी बहुत हो रही है। इस जो अभी बसेस वगैरह चालू है उसके, मतलब उसके हिसाब से, हाँ, बसेस के वजह से बहुत बड़ा ये हमारा नुकसान ये हो रहा है कि बसेस ओवर सीट जा रही है, जितनी सीट है उससे ओवर बस वाले लेके जा रहे हैं, हम अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हमको 1 सीट 2 सीट के ऊपर मिल रही नहीं।
ऑटो वालों को एक सीट और दो सीट, अगर बस के अंदर में ओवर से भी सवारी को अगर बोले भी कि भाई आप मीटर से चलो तो मीटर नहीं चलता बोलते। हमको बताइए ये जैसे जिस तरीके से ओला ओला चल रहा है वैसा गवर्नमेंट की एक स्कीम चलना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने हर ऑटो जिनको जिनको परमिट दिया उनको ओला के जैसा बिल्कुल वो रिज्यू करके और हमसे वो पैसा कमाए। ये जो ओला उबेर एक ऐप बना के ये कमा रहे हैं और फिर हर हर जगह देखिए मतलब यानी वो कोई मतलब ही नहीं। ऑटो वालों को तो एकदम ही मतलब कई के बेचारों के घर को खाने को नहीं मिल रहा, बहुत ही हाल खराब है क्योंकि कौन देगा उनको। आज मेरे सवारी 20 रुपए बोलती, पेट्रोल 100 रुपए, गैस 65 रुपए हो गई, 65 रुपए में 20 किलोमीटर चलेगा, सवारी एक बैठाएगा क्या है। और फिर जो दिन भर कमाओ ट्रैफिक वाला आधा बोलता चालान ऑनलाइन, ऑनलाइन भी लागू है और नकदी भी लागू है। अब यहाँ हम खुद ही 200 का धंधा नहीं कर रहे, कहाँ से हम ऑनलाइन दे रहे और कहाँ से वो कर रहे नहीं है तो बैलेंस। अरे 3500 रुपए एक एक पे है बैलेंस, मेरे को बताओ 3500 रुपए कमाने के लिए गेट वाले कितना लगता है भाई। जो इतने बड़े बड़े अपने बनते हैं पेट्रोल के भी रेट बढ़े, गैस के भी बढ़ गए ना मैडम। गैस 44 रुपए थी, आज 65 रुपए है। अब सोचो गैस में भी और पेट्रोल में भी सब में वही हाल है, आदमी क्या करेगा, मरण किसका। फाइनेंसर अपना पैसा बरोबर लेगा, एक भी इंस्टॉलमेंट उसको लेट नहीं होना, हुई तो गाड़ी स्विचर ढूंढने लग जाते गुंडे बदमाश उनके। क्या है ये, चारों तरफ से मर रहा कौन है, पब्लिक ऑटो वाले, पुलिस वाला भी मार रहा है, दारू बेवड़े बावड़े बैठे उनको भी हम सहन कर रहे हैं, उसके बाद में वो हमारे जो फाइनेंसर है उसको हम सहन कर रहे हैं, हर चीज़ हमारे कोई सहन करना है। गलत बोलूँ बताओ मेरे को, जो मतलब उससे भी हमसे तो भीख मांगने वाले अच्छे हैं मैडम लोग, कम से कम 10 का नोट दे देते, लेकिन सवारी 15 और नहीं दिन बनते, 20 रुपये नहीं देना बनते। भीख मांगने वाले को 10 का दारू पीने समय वेटर को 100 रुपए दे देंगे, लेकिन ऑटो वाले को कोई 5 रुपए नहीं देंगे। 5 रुपए चिल्लर आन बनती गले भर चौकवा और थांबवून 5 रुपए की चिल्लर मांगा लावा, स्वतः नहीं जाए चिल्लर आना। 10 रुपए की सवारी बसली 100 का आए म्हणते सोडून दिन, एखादे रहते मन फिरे बिचारे छोड़ देते, जाऊ दे भाई नको देऊ दारू, सब थोड़ी छोड़े। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने अपने जो है वो राय दी है कि ये लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, अगर लगता भी है तो उनकी पूरी सोई सुविधाएं जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, वो गवर्नमेंट से उनकी मांग है कि वो उनकी पूरी हो जानी चाहिए। जो देख पा रहे हैं आप अभी नज़ारा, ये ऐसा लग नहीं रहा कि लॉकडाउन है, पूरी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ते हुए दिखाई दे रही है हमको। अभी हमने देखा कि कुछ 25% ही बसेस वगैरह चालू है तो उसके हिसाब से लग नहीं रहा है, और जो बसेस में जो कचकच जो भरा जा रहा है, पब्लिक भराई जा रही है, लेकिन ऑटो वालों को इतनी तकलीफ हो रही है कि उनके ऑटो में 1-2 लोग ही बैठना अलाउ करके रखा है, अगर वो 3-4 लोगों को भी बिठाते हैं तो उनको जुर्माना देना पड़ता है। तो ये कोई भी तरीके से उनको सेटिस्फाइड करने वाली चीज़ें नहीं हैं जो उनके घर का पेट पाल सके। लॉकडाउन से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तत्काल न्यूज़ लाइव।